अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नाज़नीन अकबर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम पैन के अंदर सबसे पहले 1 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे और इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून की मदद से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो शिमला मिर्च है वो हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को बॉयल करते वक्त इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक ऐड किया था। जब चिकन अच्छे से बॉयल हो जाएगा हम इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर गुल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर मायोनीज ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अब हम स्पून की मदद से इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन जो है वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और स्पून की मदद से हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे। कवर करके हम इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके लीड को खोलेंगे और इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अपने गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है वो बनकर रेडी हो चुका है। एक बोल लेंगे, इसके अंदर हम मैदा का स्लरी रेडी करेंगे घोल। और ये हमारा चिकन है तैयारशुदा। और ब्रेड क्रम्स लेंगे, ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इसके साइड को नाइफ की मदद से कट करेंगे। ब्रेड को 1 बाय 1 पानी के अंदर इस तरह से डीप करेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। इसके बीच में हम चिकन रखेंगे और हल्के हाथों से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। हल्के हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये हर साइड से अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। इसी प्रोसेस के थ्रू हम अपने सारे ब्रेड को रेडी कर लेंगे फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा चिकन ब्रेड रोल कोटिंग करने के लिए रेडी हो चुका है। 1 बाय 1 हम चिकन ब्रेड रोल को मैदे के स्लरी में डीप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम्ब से इस तरह से कोट कर देंगे दूसरे हाथ से। इसी प्रोसेस के थ्रू हम अपने सारे चिकन ब्रेड रोल को कोट कर लेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन ब्रेड रोल है वो अच्छे से कोट हो चुका है फ्राई करने के लिए। अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम तेल ऐड करेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से मीडियम हॉट हो जाएगा गरम, तो हम इसके अंदर 1 बाय 1 चिकन ब्रेड रोल को डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। इस दौरान हम अपने गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे हर साइड से अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन ब्रेड रोल है वो हर साइड से अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे 1 बाय 1 प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस के थ्रू हम अपने बचे हुए चिकन ब्रेड रोल को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन ब्रेड रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे 1 बाय 1। तो ये देखिए फ्रेंड, चिकन ब्रेड रोल को हम टोमेटो केचप और मायोनीज के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।